टेक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस GST न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि GST ऑडिट करने से पहले ऑडिटर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर किस प्रकार ले सकता है और इस फॉर्मेट में कौन से कंटेंट्स होने चाहिए। जब GST ऑडिटर अपना ऑडिट स्टार्ट करता है तो उसे नहीं पता होता कि टैक्स पेयर के कितने प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, इसलिए वह मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेगा कि जो प्लेसेस उसने अपने GST के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दिखाए हैं उसके अलावा उसका कोई और प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, और जितने भी प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं वो GST के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उसने डिस्क्लोज कर दिए हैं। इसके अलावा आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड भी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ली जाएगी कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं उस जगह से नहीं की जा रही हैं जो कि GST के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। इसके अलावा सभी प्रकार की सप्लाई को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर कर लिया गया है और क्लासिफाई कर दिया गया है और प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लिया गया है, और आउटवर्ड सप्लाई को GST के रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अलावा यह भी रिप्रेजेंटेशन ली जाएगी कि जो क्लासिफिकेशन है बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर आउटवर्ड सप्लाई का वह भी करेक्टली कर दिया गया है। इसके अलावा डीम्ड सप्लाई ट्रांजेक्शन या रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजेक्शन हैं उन्हें भी वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंट फॉर कर लिया गया है। इनवर्स सप्लाई से रिलेटेड भी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देगी कि जो इंटरेस्ट रेट या फिर इंटरेस्ट रेट सप्लाई है उसे GSTR 9 या फिर 9C के रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया गया है, और इसके अलावा कोई भी और इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट रेट इनवर्स सप्लाई नहीं है। इनवर्स सप्लाई को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली क्लासिफाई कर दिया गया है और अकाउंट फॉर कर लिया गया है और GST के रिटर्न में उसे डिस्क्लोज कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रांजिशनल क्रेडिट से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी कि जो ट्रांजिशनल क्रेडिट है वो एज पर GST एक्ट क्लेम किया गया है। इसके अलावा जो सप्लाई जो वर्कर को की गई है या फिर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर भेजी गई है या फिर एजेंट को की गई है उसे भी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ रिकनसाइल कर लिया गया है। इसके अलावा एंटी प्रॉफिटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस को भी मैनेजमेंट ने कॉम्प्लाई किया है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ली जाएगी कि जो ई-वे बिल या फिर डिलीवरी नोट है वो टाइम से इशू कर दिए गए हैं एज पर GST लॉ। इसके अलावा स्टैट्यूटरी फॉर्म को ले लिया गया है, जैसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यदि कोई अपील फाइल करनी थी तो वो फाइल कर दी गई है और उसका जो मैटर है वो पेंडिंग है या फिर एडजुडिकेट हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को रिकनसाइल कर लिया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ। सेल्फ इनवॉइस और पेमेंट वाउचर को इशू कर दिया गया है फॉर रिवर्स चार्ज सप्लाई। इसी प्रकार ही जो वर्कर को यदि सप्लाई की गई है तो उसे अकाउंट फॉर कर लिया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, और विद इन टाइम वो सप्लाई जो वर्कर से वापस ले ली गई है। इसके अलावा कोई भी ऐसी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं की गई है जो कि रिपोर्ट ना की गई हो, यानी कि जो सीरीज है इनवॉइसिस का वो डिस्क्लोज कर दिया गया है ऑडिटर को, और सभी इनवॉइसिस ऑडिटिंग के लिए दे दी गई हैं। इसके अलावा स्टॉक रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन किए गए हैं मैनेजमेंट के द्वारा, एक ही ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस को इशू किया गया है और बाकी सभी जो इनवॉइसिस हैं वो डुप्लीकेट है या फिर ट्रिप्लीकेट है। इसके अलावा जो मंथली रिटर्न्स हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर उन्हें मेंटेन किया गया है और उनकी जो कॉपी है वो ऑडिटर को दे दी गई है। इसके अलावा यदि कोई रजिस्टर या फॉर्म ऑडिटर को नहीं दिया गया है तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट को यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा क्लासिफिकेशन से रिलेटेड भी रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाएगा कि गुड्स और सर्विसेज को प्रॉपरली क्लासिफाई किया गया है एज पर GST एक्ट और प्रॉपर रेट जो है वो चार्ज किया गया है। इसके अलावा सेकंड शेड्यूल जो है GST एक्ट का उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को गुड्स या फिर सर्विस करेक्टली क्लासिफाई किया गया है, जो इनवर्ड या फिर आउटवर्ड सप्लाई की टर्नओवर है उसे प्रॉपरली क्लासिफाई करके HSN कोड वाइज जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। यदि एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई है तो उसका डिस्क्लोजर भी मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा रिकंसिलेशन से रिलेटेड भी मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ली जाएगी कि जो इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज हैं, नॉन GST ट्रांजेक्शन्स हैं, डीम्ड सप्लाई है या फिर दूसरी ट्रांजेक्शन्स हैं, उन्हें कंसोलिडेट कर लिया गया है और फाइनेंशियल के साथ मैच कर लिया गया है। यदि किसी टैक्स पेयर के मल्टीपल GST नंबर है तो उस केस में ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर हर GSTN के लिए अलग से टर्नओवर को ड्राइव किया गया है और टोटल टर्नओवर के साथ रिकंसाइल कर लिया गया है। इसके अलावा
जो फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का, उसके लिए डेटा को बुक्स के साथ रिकनसाइल कर लिया गया है, क्योंकि यह जो डेटा है वो जीएसटी एक्ट आने से पहले के लॉ से रिलेटेड है। इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड भी रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट को देना होगा, यानी कि जो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी है वो एज पर जीएसटी एक्ट पे किया गया है, और यदि गलत पेमेंट की गई है तो उसके बाद करेक्ट टैक्सेस को पे कर दिया गया है, या फिर जो गलत टैक्स पे किया गया था उसका रिफंड क्लेम कर लिया गया है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है जो कि मैनेजमेंट ने अवेल कर लिया हो और उसकी पेमेंट 180 दिन के अंदर ना की हो। यदि ऐसा किया है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर लिया और पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं की, तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी ऐसे गुड्स नहीं है जिसके ऊपर के इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर लिया गया हो और बाद में उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया हो, गिफ्ट दे दी हो, या फिर फ्री सैंपल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो, या वह गुड्स या जो है वो गुम हो गई हो। इसके अलावा यह डिस्क्लोज़र भी देना होगा कि जो गुड्स और सर्विस हैं उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल नहीं किया गया है, जो कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत रिस्ट्रिक्टेड है। मैनेजमेंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट अवेल किया है। इसके अलावा कोई भी ऐसी गुड्स या सर्विस नहीं है जिसका कि टैक्स एक्सपेंस में बुक कर लिया गया हो और एट द सेम टाइम इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी क्लेम कर लिया गया हो। इसके अलावा कोई भी ऐसी सप्लाई नहीं है जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली गई हो और जिसके लिए कि सेल्फ परचेज बिल या फिर पेमेंट वाउचर इशू ना किया गया हो और जीएसटी या 9C की रिटर्न में डिक्लेयर ना की गई हो। इसके अलावा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है उसके लिए सभी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया गया है एज पर जीएसटी लॉ। इसके अलावा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है वह बिजनेस के दौरान या फिर बिजनेस के लिए ही अवेल किया गया है। इसके अलावा ओरिजिनल टैक्स इनवाइसेज इनवॉल्व और आउटवर्ड सप्लाई की मैनेजमेंट की पोजेशन में है। इसके अलावा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेशन देनी है उसमें यह भी डिपेंड करना होगा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल है वो एज़ पर रूल 37, रूल 42 एंड रूल 43 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 किया गया है और उसकी कैलकुलेशन को भी वेरीफाई कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ जनरल पॉइंट भी हैं जिनके ऊपर के मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेशन देना होगा, जैसे कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट की गई हैं उन्हें नोट्स को अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और किसी भी बिजनेस प्रीमिसेस को जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा इंस्पेक्ट नहीं किया गया है, या फिर यदि इंस्पेक्ट किया गया है तो उसका डिस्क्लोज़र यहाँ पे आएगा। इसके अलावा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रिलेटेड प्रोविजंस को कंप्लाई किया गया है और इसके लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेट वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यदि मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकती है तो यहाँ पे वह डिस्क्लोज़र देगी, और यदि नहीं प्रोवाइड कर सकती है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन देगी। इसके अलावा यदि सर्टेन ट्रांजेक्शन जो कि जीएसटी एक्ट में है जिनका कि वैल्यूएशन होना है सेपरेटली, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा यदि सीए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट कोई ऑब्जर्वेशन देता है जीएसटी ऑडिट के दौरान, तो उस ऑडिट के वजह से यदि कोई जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है तो उसके लिए मैनेजमेंट सोली रिस्पॉन्सिबल होगी। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट भी ट्रू एंड करेक्ट सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट करेगी, जैसे कि इनवर्ड सप्लाईज और आउटवर्ड सप्लाई की मंथली समरीज, डेबिट एंड क्रेडिट नोट की स्टेटमेंट विद जर्नल एंट्रीज, जो गुड्स आउटसाइड द स्टेट रिसीव की गई हैं या फिर इनसाइड द स्टेट उनकी स्टेटमेंट देनी होगी। इसके अलावा आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई जो फिक्स्ड एसेट की गई है उसकी स्टेटमेंट लगेगी। इसके अलावा अदर इनकम और मिसलेनियस इनकम की डिटेल देनी होगी। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं जिनके ऊपर के इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया गया है उसकी डिटेल देनी होगी। इसके अलावा आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई का रिकन्सिलेशन लेजर के साथ कर लिया गया है, इसका रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट को देना होगा। इस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर का फॉर्मेट इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं, इन बुक्स को रेफर करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर जीएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।
जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।